हेलो दोस्तों, मैं राजीव सर, आज आप देख रहे हैं सिर्फटेक। तो दोस्तों, आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11 एस की बात। तो दोस्तों, कंपनी ने ये इन्फिनिक्स ने अपने दो फ़ोन लॉन्च कर दिए और इन फ़ोन में क्या क्या खास दिया गया है और क्या क्या कंपनी ने खास स्पेसिफिकेशन आपको इसमें दिए हैं, तो दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दें, इन्फिनिक्स अपने फ़ोन जल्द से जल्द लॉन्च करती है और बजट रेंज में अच्छे से अच्छे फ़ोन लॉन्च करती है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें आपको कम बजट में ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं। पूरी डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स जब से आई है तब से वीवो MI और जो ओप्पो वगैरह और रियलमी जो है, इनके जो बजट रेंज में फ़ोन आते हैं उनको टक्कर देने के लिए अपने ये फ़ोन उतार रही है। तो दोस्तों, ये भी एक कंपनी ने अपना फ़ोन उतारा है इन्हीं कंपनी को टक्कर देने के लिए। तो दोस्तों, क्या ये फ़ोन टक्कर दे पाएगा? तो दोस्तों, पूरी वीडियो में आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन्फिनिक्स नोट 11 की स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है। और साथ ही अगर हम इस फोन के रेजुलेशन की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको 1080x2400 पिक्सल का रेजुलेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। और अगर हम इस फोन के टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो दोस्तों, 180Hz का आपको इसमें टच सैम्पलिंग रेट भी आपको इसमें देखने को मिलता है। और दोस्तों, वहीं अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, इस फोन में आपको MediaTek Helio G88 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। अगर आप गेमिंग के मामले में एक अच्छा फ़ोन खरीदना चाह रहे थे तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वहीं अगर हम इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 11 पर आधारित XOS 10 पर काम करने वाला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। और दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन के रैम की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 4GB का रैम देखने को मिलेगा और साथ ही आपको इसमें 64GB का आपका इसमें स्टोरेज आ जाता है। और दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन के स्टोरेज बढ़ाना चाहें तो दोस्तों, 512GB आप इसमें मेमोरी कार्ड के जरिए आपका स्टोरेज में बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है आपका 50MP का, और जो दूसरा लेंस है वो आपका 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है, और साथ ही आपको इसमें AI लेंस भी देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन के बैटरी की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही आपको इसमें 33W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये खास फीचर आपको इसमें देखने को मिलते हैं कम प्राइस में। आपको मैं प्राइस भी एक साथ बताऊंगा इन्फिनिक्स नोट 11 एस के बाद। तो दोस्तों, अभी हम इन्फिनिक्स नोट 11 एस की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 6.9 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम इस फ़ोन के रेजुलेशन की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 1080x2460 पिक्सल का आपका इसमें रेजुलेशन आ जाता है। वहीं अगर हम इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर दिया गया है। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 11 से ज़्यादा इसका प्रोसेसर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप गेमिंग लवर है तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। वहीं अगर हम इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में भी आपको एंड्रॉयड 11 पर आधारित XOS 10 का आपका इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फ़ोन के रैम की और साथ ही बात करेंगे इस फ़ोन के कैमरे की। तो दोस्तों, रैम की बात करें तो दोस्तों, ये फ़ोन आपको दो वेरियंट में मिल जाता है। पहला है आपका 4GB 64GB इंटरनल मेमोरी, और जो दूसरा रैम है आपका 8GB का और 128GB इंटरनल मेमोरी आपको इसमें देखने को मिलती है। और साथ ही अगर हम इस फ़ोन के कैमरे की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है आपका 50MP का, और दूसरा लेंस सेंसर है आपका 2MP का डेप्थ सेंसर, और जो तीसरा लेंस है आपका मैक्रो लेंस 2MP का ही आपका मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये भी आपको इसमें अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम इस फ़ोन के कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, और बैटरी की बात करें, अगर हम इस फ़ोन की बैटरी की बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही आपका इसमें 33W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट देखने को मिलती है। और अगर हम दोनों फ़ोन के कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, दोनों फ़ोन की कनेक्टिविटी सेम ही है। ड्यूअल 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और यहां तक कि आपका टाइप सी का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है और 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इन फ़ोन के प्राइस की।
तो दोस्तों अगर हम इन फोन के प्राइस की बात करें, अगर Infinix नोट 11 के प्राइस की बात करें, तो दोस्तों ये फोन आपको आज से 11,999 का मिलता है फ्लिपकार्ट पर, यानी कि आपको 12,000 में एक बेस्ट फोन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम Infinix नोट 11s की बात करें तो दोस्तों 4GB रैम में जो है और 64GB की आपको इसमें इंटरनल मेमोरी मिलती है, तो ये आपको मिलता है 12,999 रुपये का Infinix नोट 11s। वहीं अगर हम इस फोन के 8GB की रैम की बात करें और 128GB के इंटरनल मेमोरी की बात करें, तो दोस्तों ये फ़ोन आपको मिलता है 14,999 रुपये का, यानी कि 15,000 का। 8GB रैम का आपका 15,000 रुपये में आपको ये बेस्ट फ़ोन मिलता है। अब बात आती है कि कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए। अगर आप बजट रेंज में एक अच्छा फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं तो आपको Infinix नोट 11 खरीदना चाहिए। 12,000 में आपको हर चीज़ देखने को मिलती है, 50MP का कैमरा, 5,000mAh की बड़ी बैटरी और गेमिंग के मामले में भी एक प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलता है। और अगर आप रैम में भी ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, रैम भी कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आपको खरीदना चाहिए सिर्फ Infinix नोट 11s। 15,000 में 8GB रैम का आपको फ़ोन देखने को मिल रहा है और हर क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। कैमरा, बैटरी, जो भी एक अच्छे फ़ोन में होनी चाहिए वो इस फ़ोन में आपको देखने को मिलती है। यानी कि ये फ़ोन 15,000 में एक अच्छे से अच्छा फ़ोन माना जाएगा। कंपनी ने इसका प्राइस बहुत अच्छा रखा है। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टैक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ और मोबाइल के रिव्यूज़ भी करता रहता हूँ, उनकी अच्छी बुरी बातें वो आपके सामने रख देता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।